सबसे कठिन लड़ाई ये हो रहा है आपका पॉलिटिकल करियर में? हाँ, ये तो दिल्ली मुखी है ना, ये दिल्ली का जो राजतंत्र बनाने के लिए अभी हम लोग काम कर रहा हूँ, आज वोट डाल रहा हूँ, तो इसीलिए हम लोग दिल्ली में जो सरकार आ जाएगा उसका साथ में हम लोग बात करेंगे। गोरखा का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो पुराना डिमांड है, तो हमारा सरकार आने का बाद, बीजेपी का सरकार आने का बाद, जो इसका जो डिमांड है सहानुभूति अनुसार में हम लोग समस्या का समाधान करूंगा, ये तो मैनिफेस्टो में लिख दिया है, उससे बड़ा क्या लिखना है। ये केस क्या हो गया कि आज ममता बनर्जी के साथ आपका ये लड़ाई हो रहा है, तो ये बीजेपी और मोर्चा, दूसरी तरफ है बाईचुंग भुटिया और ममता बनर्जी। जब जीते का बात आता है, एमएलए का बात आता है, उस टाइम में हम लोग को मिस ममता बनर्जी के साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन एनपी इलेक्शन में नहीं है। एनपी इलेक्शन ये दिल्ली मुखी है, दिल्ली का जो 543 एनपी बैठने के लिए हम लोग वहाँ पर काम करना है, इसलिए दिल्ली में हम लोग का रण कौशल वहाँ पर बनाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो अभिकार रणनीति किया। कल जीटे का बात हो जाएगा तो ममता बनर्जी का बात करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 वर्ष का अंदर में क्या डेवलपमेंट किया है आने वाले दिन में दिख जाएगा। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का नीचे जो पार्किंग बन रहा है वहाँ पर 37 करोड़ रुपया का जो कार पार्किंग बन रहा है। अभी का यहाँ का ट्रैफिक का सिचुएशन क्या है, बहुत बदतर है, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म एक सेक्टर है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग वहाँ पर जो टीबी हॉस्पिटल में वहाँ पर हम लोग कर रहा हूँ, और मेडिकल कॉलेज कर रहा हूँ जो विक्ट्रिया का पहले हॉस्पिटल था वहाँ पर हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहा हूँ। संग समय करसेंग में भी हम लोग एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बनाऊँ, और करसेंग में हम लोग कार पार्किंग बना रहा हूँ, कालिम्पोंग में बना रहा हूँ वहाँ पर सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बना रहा हूँ। और हमारा जो डेवलपमेंट है, जो भारत स्वतंत्र हुए 67 वर्ष गुजर गया, किसी पार्टी ने ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया। अभी मिस ममता बनर्जी बोल रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए आए हैं, उन्नति के लिए आए हैं, अभी उस एक छोटा सा साधन हम लोग को एक जो पहचान दिखाए उसने किया हुआ, जो अभी का डेवलपमेंट उसका हाथ से किया हुआ डेवलपमेंट दिखाया, तो कहां पर है।